हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आपके जो अरमान हैं उनको सजो कर रखिए, और आप सपने देखिए, क्योंकि आप सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो सपने देखना सबसे पहले जरूरी है, और सपनों को देखने के बाद उस सपनों को पूरा करने के लिए जो वर्क है, जो कार्य आपको करना है, उस काम को भी आप लोग करते रहिए। तो स्वागत करता हूं मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। और वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, आप लोग वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। और जो टॉपिक चल रहा है, बहुत समय नहीं हम लोग गंवाते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो टॉपिक क्या चल रहा है? नरेशन। और आज छठी क्लास है नरेशन की। इससे पहले जो पांच क्लासेज हैं नरेशन की, वो आपको प्रोवाइड करा जा चुकी हैं। देखिए, यूपी बोर्ड के लिए एनडीए एसएससी सब इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि नरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नरेशन बनाएंगे, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको शुरू में बताई थी। मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि आप ये जान लो कि रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्क किसे कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही थी, मैंने बताया था कि ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। स्पीच मीन्स कथन, और जो कथन होता है वो महत्वपूर्ण होता है और वो कामा के भीतर होता है। दैट्स क्लियर, गॉट इट। और जो कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर मैंने बताया कि एक नए तरीके से नरेशन चलेगा अब की बार। और वो नया तरीका क्या है कि नरेशन अब की बार मैं आपको सिर्फ दो रूल से ही पढ़ाऊंगा, पहला जर्नल और दूसरा स्पेशल। जर्नल रूल लगते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, स्पेशल लगेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए, जो स्पेशल रूल होते हैं वो हर सेंटेंस के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो जर्नल रूल होते हैं वो तीन होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये तीनों जो रूल होते हैं वो पांचों सेंटेंस में एक ही रूल लगते हैं। एक बार जो आपको मैं पढ़ा दूंगा उसी अनुसार आगे परिवर्तन होंगे। चेंज ऑफ जो पर्सन है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं, और आप जाके पहले उन वीडियो को विजिट कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दो वीडियो इसके हैं वो अपलोड हो चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस, पढ़ रहे हैं जर्नल रूल में। और मैं आपको बता दूं कि जो टेंस के परिवर्तन है वो होते कहाँ हैं, तो जो टेंस के परिवर्तन हैं वो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जो टेंस बदलेगा वो कहाँ बदलेगा, किसका बदलेगा, वो रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखना है आप सबको। चलिए, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई थी, मैंने आपको बता दिया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो नहीं बदलेगा। फिर मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ जाए, दैट मीन्स क्या है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में आ जाए, पास्ट में आ जाए, सेड सेड टू आ जाए, तो क्या होता है जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं सब पास्ट में, और जितने पास्ट होते हैं एक छोड़ करके, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जितने पास्ट होते हैं एक छोड़ करके। इसका मतलब क्या था कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तो थी पिछले वीडियो की एक हाईलाइट, एक रिवाइज्ड। इस वीडियो की जब मैं बात करूंगा तो प्रेजेंट पास्ट के बाद आपका टेंस आता है फ्यूचर। हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में करने वाले हैं। ध्यान से आप सब इसको समझते हुए चलिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इसका मतलब आप समझते हैं, जब मैं कहता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका आप क्या अर्थ निकालते हो? इसका आप ज्यादा कुछ अपने मन से अर्थ मत निकालिएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है, जब मैं ये कहता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब होता है जो वाक्य कामा के बाहर है, चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में है, उसमें या तो क्या आया होगा, सेड आया होगा या सेड टू आया होगा, तब आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच, देखिए अब यहाँ नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यानी कि सेड या सेड टू है, और जो कामा के भीतर वाक्य बंद है वो फ्यूचर टेंस में है, यानी कि बिल सेल ये सब चीजें फ्यूचर टेंस में लगती हैं। ठीक, यहाँ पर भी दो सहायक क्रिया मैंने और भी लिख दी है, ये फ्यूचर टेंस से अलग हटके आएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया क्योंकि परिवर्तन ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही इसको कर ले जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक बात, यहाँ पर इसको उल्टा मत करिएगा भैया, उल्टा ये करना है कि यहाँ आपने फ्यूचर कर दे, यहाँ आपने पास्ट कर दिया, तब देखो क्या निकलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो
और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तब तो टेंस नहीं बदलेगा, तब तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले बार आपको पढ़ाया था इससे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि अगर सेड या सेड टू है और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है आपके, सेड या सेड टू है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है फ्यूचर टेंस है, तो आपको टेंस जो है बदलना है। और कैसे बदलना है ये देखते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में बिल दिया है तो आप बिल का क्या करेंगे, बिल का आप लोग कर देंगे वुड। ओके, अगर सेल दिया है तो सेल का क्या करेंगे, सेल का हो जाएगा शुड। अगर कैन दिया है तो कैन का हो जाएगा कुड। अगर मे दिया है तो मे का क्या होता है बच्चों, मे का होता है माइट। अब देखिए मस्ट का क्या होता है, तो मस्ट का मस्ट भी होता है, या कहीं कहीं आपको मस्ट का हेड टू भी मिलेगा। तो इसके लिए बहुत परेशान मत होइए क्यों कैसे आगे कैसे बदल रहा है, मैं आपको आगे इसको क्लियर करूंगा। अब देखिए सेल हैव का क्या होगा, यहाँ वो दो सहायक क्रियाएं आ गई, मैंने आपको हैव का हेड पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, लेकिन उसको वही के लिए याद रखिएगा, यहाँ आपका नियम वो नहीं लगेगा। यहाँ जब दो सहायक क्रियाएं आएंगी तो जो आपकी पहली सहायक क्रिया होगी वही बदलेगी। यहाँ सेल का हो जाएगा सुड और हैव का है भी रहेगा, यानी कि सेल हैव का सुड हैव। कई बच्चे क्या करते हैं, सेल हैव का सुड हैड कर देते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि जब दो सहायक क्रियाएं डायरेक्ट स्पीच में आ जाएं और आपको इनडायरेक्ट बनानी हो तो आपको क्या करना है, केवल एक सहायक क्रिया बदलना है, पहली वाली दूसरी नहीं बदलना है। जैसे बिल भी आ गया तो बिल का क्या हो जाएगा, उड और बी को जो कहते हो ऐसे ही लिख देंगे। मान लीजिए बिल हैव बीन आ गए, तीन सहायक क्रिया आ गई, तो आपको क्या करना है, बिल का उड कर देना है और हैव बीन को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो याद रखिएगा बिल का उड होता है, सेल का सुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट या हैड टू भी होता है, सेल का सुड हैव होता है, बिल बी का उड हैव होता है और बिल हैव बीन का उड हैव बीन होता है। यानी कि जो हैव है अगर बिल और सेल के साथ आता है तो उस हैव का हेड नहीं होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके नंबर यहाँ से कट जाएंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं। तो सेंटेंस आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस, मान लीजिए आप लोग कोई सेंटेंस ले लीजिए, कह देता है कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, आई सेल डू माई वर्क। ये आपको बनाना है। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्क, कामा से बाहर है, और ये आपका क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब आप इसको बनाइए। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको आगे स्पेशल रूल बताया जाएगा, हर सेंटेंस का अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी, कामा हटाएंगे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ओके, अब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से काम, आई कौन सा पर्सन है। देखिए भैया पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ रहा, इसीलिए पर्सन पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अगर आपने पर्सन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो घबराइए मत, जाके वीडियो को देख सकते हैं, पर्सन अच्छे से वहां पर एग्जांपल के साथ आपको बताया गया है। अब आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सी है, सब्जेक्ट हटाओगे आप सब्जेक्ट लगाओगे यहाँ से सी हो गया। अब देखिए सेल का सुड होता है, ओके सेल का सुड, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फ्यूचर टेंस में आप आई के साथ तो सेल लगाते हो, बी के साथ सेल लगाते हो, अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाते हो, बिल लगाते हो, आई बी के साथ सेल, सबके साथ बिल। तो अब यहाँ पर सुड ना करके अगर यही मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो आप लोग क्या लगाते, सी के साथ बिल लगाते कि सेल लगाते, डेफिनेटली आप बिल लगाते। तो यहाँ उसी बिल का उड होगा ना कि सेल का सुड होगा, तो यहाँ क्या कर देंगे इसको, इसको उड कर देंगे। फिर क्या करेंगे डू, अब देखिए माई लगा हुआ है, माई कौन सा केस, माई पॉसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है सी है, अब सी का पॉसेसिव क्या होता है, तो सी का पॉसेसिव होता है हर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर वर्क। समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यू सेड इन्वर्टेड कामा, आई कैन राइट ए लेटर। ये सेंटेंस है, आपको इनडायरेक्ट इसको बनाना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब देखिए अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है शुरुआत आई से हुआ है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट में यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। अब कैन का क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कैन किस में चेंज होता है, कैन का पास्ट क्या होता है कुड होता है, तो कैन कुड में, और आगे कोई पर्सन नहीं तो आप वाक्य को ज्यों का त्यों इसको वैसे ही उतार देंगे। एक सेंटेंस और देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आ जाए कि सी सेड टू हिम इन्वर्टेड कामा, यू विल हैव डन माई
वर। अब मान लीजिए इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना। आपके सामने लिखा है कि सी सेड टू हिम यू विल हैव डन माई वर्क। आपको इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बदलिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा कि सी टोल्ड हिम। आप कामा हटाएंगे, आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए आपको यू मिल गया, यू कौन सा पर्सन, यू किस पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। अब आपको देखिए यू के साथ भी बिल लगाते हैं आप, केवल आई और बी के साथ सेल लगता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ बिल ही लगता है, तो यू के साथ बिल लगा है। अब ही के साथ भी तो आप बिल ही लगाएंगे, लेकिन अब बिल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है, बिल को पास्ट में चेंज करना है, वुड हो गया। अब बच्चे हैव का हेड कर देते हैं, तो आपको भैया हैव को ज्यों का त्यों उतार देना है। जब दो सहायक क्रियाएं आपको मिलेंगी तो जो पहली सहायक क्रिया होगी वही बदली जाएगी, जो दूसरी सहायक क्रिया होगी उसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, वुड हैव हो गया, उसके बाद डन हो गया। अब आपको यहाँ माई मिला, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है। अब देखिए जो यहाँ पर आई है उसको बदलेंगे सी के अनुसार, माई आप हटा रहे हो, माई क्या है, माई पॉसेसिव केस है, जो हटाएंगे वही लगाएंगे। तो जब पॉसेसिव केस आप हटाओगे तो पॉसेसिव केस ही लगाना पड़ेगा। अब सी का पॉसेसिव क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्क लिख देंगे, तो ये आपका बन गया। तो आपको फ्यूचर टेंस में क्या करना है, फ्यूचर टेंस में बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट होता है, सेल हैव आ जाएगा तो शुड हैव, बिल बी आएगा तो इसका वुड हैव, और अगर बिल हैव बीन आएगा तो वुड हैव बीन, मान लीजिए सेल हैव बीन आ गया तो शुड हैव बीन ही होगा, यानी कि दो सहायक क्रियाएं आएंगी तो आपको नहीं बदलना है। एक मैं आपको चीज और बताता हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसे आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, ध्यान से देखिएगा कि ही विल से टू मी, इन्वर्टेड कामा, शी एट द फूड। अब आपको कह दिया जाए कि इसको इनडायरेक्ट बनाओ, तो आप लोग गड़बड़ी मत करिए। पहले देखिए जो आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब ही तो है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, एनी डाउट। अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है, बिल से लगा हुआ है, बिल आया हुआ है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और यहाँ पर क्या है, वर्क की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब आप मुझे बताएं, ध्यान समझिएगा इस सेंटेंस को, नहीं लोग गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पर नियम क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, फ्यूचर में हो। देखिए फ्यूचर में है कि नहीं है, फ्यूचर में है, तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस रूल के अनुसार। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नियम आ जाए, यहां पर देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो फ्यूचर में हो गया लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो गया, ध्यान दीजिए यहां उल्टा हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका फ्यूचर में हो गया, यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, यहां रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो गया। तो ऐसे वाक्यों में आपको इसका टेंस नहीं बदलना है, यानी कि इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये तो आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा इसमें आपका केवल वाक्य वैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। नहीं तो ये सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, आप सोचो सर ने कहा जब सेकंड फॉर्म आती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो आप यहाँ हैड रिटर्न कर दो, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक यहाँ सेड नहीं आएगा तब तक ये टेंस नहीं बदलेगा, इस बात को याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ओके चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं। तो आइए हम कुछ और वाक्यों को यहाँ पर देखते हैं। तो सम अदर एग्जाम्पल में क्या है, और ये आपका लास्ट वीडियो है किस चीज का, चेंज ऑफ टेंस का। इस वीडियो के साथ जो आपके रूल हैं चेंज ऑफ टेंस के वो समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको लास्ट रूल जो मिलेगा जनरल रूल का, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच वो मिलेगा, उसके बाद आपको एसएसएल रूल मिलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे कि सेंटेंस है कि आई सेड टू हर, ओके आई सेड टू हर ही इज अ गुड प्लेयर। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर सेट लगा हुआ है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट में है, लेकिन जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये न तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, न तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, न तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये किसी टेंस में नहीं है। इसको आप ऐसा कह लीजिए ये यूज ऑफ इज एम आ रहा है। तो मैं इस नियम को आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको ये नियम पहले से भी मिल चुका होगा, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, दैट मीन्स कि सेड है या सेड टू है, और आपके रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आया है, वो इज एम आर, देखिए जो मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें क्या होता था, इज एम आर आता था, आईएनजी वर्ब आती थी तो उसको चेंज करते थे वाज और वर में, आईएनजी वर्ब लगाते थे। लेकिन जैसे कहा जाए वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, ठीक, तो ऐसे भी तो मैं खिलाड़ी हूं, आई एम ए प्लेयर, तो एक आपने पढ़ा भी होगा टेंस में, मैंने आपको बताया है वीडियो आप देख सकते हो कि सिंपल यूज ऑफ इज एम आर, कि जहां पर केवल हम लोग यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करते हैं जो विदाउट टेंस होते हैं, अर्थात जिसमें कार्य नहीं होता है।
ही इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है भाई, वह एक अच्छा खिलाड़ी, दिस इज हिज क्वालिटी, या उसका क्या है गुण है भाई, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, वह अध्यापक है, क्या है गुण है उसकी स्थिति है। तो ऐसे वाक किसी टेंस में नहीं आते, यूज ऑफ इज एम आर में आते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यूज ऑफ इज एम आर भी है तो उसका वाज और वर में ही चेंज होगा। तो अगर इसको इन डैट हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका होगा आई टोल्ड हर, उसके बाद कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही हो जाएगा, अब इच का हो जाएगा वाज, और इसके बाद ए गुड प्लेयर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब टेंस में इज एम आर आएगा तब भी वाज और वर होगा, और जब विदाउट टेंस वाले वाक में भी इज एम आर आएगा, बिना वर्ब के साथ इज एम आर आएगा, तो उसका भी वाज और वर ही होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। वही रूल यहाँ पर हैज और हैव का क्या होता है, हैड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर ऐसा कुछ वाक्य आ जाए, ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, तो ऐसे वाक्यों में भी हैज हैव अगर आता है, चाहे वर्ब आए चाहे ना आए, आपको क्या करना हैज हैव का हैड में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड मोहन, उसके बाद दैट लगाएंगे, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई परिवर्तन नहीं पर्सन में, और हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, उसके बाद ए पेन लिख देंगे। ये सेंटेंस देखते हैं कि सी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये रूल, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा कि मैंने बताया कैन का कुड होता है, सेल का सुड होता है, मे का माइट होता है। आपके मन में प्रश्न भी तो आ सकता है कि सर जी ये बात बताइए, अगर पहले से ही आपके रिपोर्टेड स्पीच में कुड लिखा हो तो, पहले से ही कुड लिखा हो तो, सुड लिखा हो तो क्या करेंगे, माइट लिखा हो तो क्या करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उसने पहले से ही आपको चेंज करके दे रखा है तो आपको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। बट याद रखिएगा पर्सन बदलेगा, मैं बार बार पर्सन पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आपको इसको बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे, ये बदला जाएगा कि सी टोल्ड मी, कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए पर्सन बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है तो बदलेंगे सी के अनुसार, और सब्जेक्ट हटाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये कुड है ये नहीं बदलने वाला है, कि मैंने आपको बता दिया कि अगर कुड सुड सेल, सेल आएगा तो सुड होगा, बिल आएगा तो क्या होगा उड होगा, कैन आएगा तो कुड होगा, लेकिन जब पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने कुड लिख के दिया है तब आपका चेंज नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला सेंटेंस है कि दे सेड टू मी यू वुड हेल्प मी, देखिए यहाँ पर भी उड आया हुआ है, सेड आया हुआ है, अब टेंस तो बदलना चाहिए लेकिन पहले से ही ये बदल के दिया हुआ है, अब इससे ज्यादा और क्या बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दे टोल्ड मी, कामा हटाएंगे क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, कौन सा पर्सन, पर्सन से पीछा नहीं छूटेगा, लास्ट तक नहीं छूटेगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सन बटे 123 याद है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, भाई आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सीट दे थर्ड पर्सन, जाके आप वीडियो को चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है मी। तो कई बच्चे सोचते लो यहाँ मी लगा दें, क्योंकि भाई यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, तो कैसे जानेंगे, तो वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट, लास्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट हटा रहे हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, अब मी सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो पहले चेक करिए कि मी का सब्जेक्ट होता क्या है, तो मी का सब्जेक्ट बच्चों होता है आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, इसको उड को उड लिख देंगे, यहाँ आप सुड मत लिख दीजिएगा, उसके बाद हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ मी लगा हुआ है तो फिर से आ गया मी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट में क्या है रिपोर्टिंग वर्ब के, दे है, दे थर्ड पर्सन, अब आप यहाँ हटा के आ रहे हो मी, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट ही तो लगाना पड़ेगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देम। तो ये आपका हो गया सेंटेंस, और ये आपके समाप्त हो गए चेंज ऑफ टेंस के रूल। ओके, यानी कि इतने रूल थे आपके चेंज ऑफ टेंस के, कि हम लोगों ने इसको कई पार्ट में पढ़ा, कई पार्ट में इसलिए पढ़ा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। जब आप भाई आप थोड़ा थोड़ा जितना जितना आपको भूख लगी उतने खाना तो खाएंगे, अब एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, एक दिन में 10 रोटी तो खा नहीं सकते, खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, तो उससे पढ़ाई भी होती है। ऐसा नहीं कि आप कभी ना पढ़ो, एक दिन ना पढ़ो, एक दिन बैठ जाओ तो 10 घंटे पढ़ लो बीमारी पड़ जाओ, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई ना रोज करनी है, एक पंचुअल जो है आपको पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना के पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ो 4 दिन सो जाओ, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, एनी प्रॉब्लम अगर आपको होती है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको PDFs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, एग्जाम्पल की वीडियो भी आपको मिलेंगे, और बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक
कर दीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।